हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग सो so फाइनली कैसा लगा सरप्राइज आप मुझे बताइए तो फाइनली वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर ओन ऐप ठीक है आपके अब अमित खुराना सर ऐप पे पढ़ाएंगे और साथ साथ स्मार्ट बोर्ड पे टीच करेंगे कैसा लगा आपको सरप्राइज प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना ठीक है स्मार्ट बोर्ड का रीजन बहुत ऑब्वियस है अलग अलग कलर्स का यूज करके मैं आपको एकदम ऑफलाइन वाली फीलिंग दूंगा जो मैं चाह रहा था काफी टाइम से मैं नहीं कर पा रहा था बट फाइनली नाउ आई कैन डू इट तो फाइनली अब हम लोग स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाएंगे ठीक है चलिए तो ऐप लॉन्च के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ देखो बेटा सबसे पहली बात तो ऐप आप आपको अभी गूगल प्ले स्टोर पर नज़र नहीं आएगी इसका रीजन बहुत सिंपल है एक्चुअली ये ऐप मैंने कस्टम बिल्ड करवाई है एक मेरे स्टूडेंट ने बनाई है ही इज़ वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट और ऑफ uh, कोर्स मैंने उसकी काफ़ी सारी बीच में हेल्प करी है सब कुछ बताया है कैसे करना है एंड एंडसॉन so, तो उसमें मेरी बहुत एनर्जी लगी है बहुत टाइम खर्च हुआ है बट हमने उसको एकदम कस्टम टाइप से डिज़ाइन किया है इन द सेंस सिक्योरिटी बहुत हमने टाइट रखी है मैं अभी आपको दिखाऊंगा आगे फीचर्स तो आपको पता लगेगा है ना क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट करके बताया था कि सर वीडियोज़ लीक हो जाएंगे है ना या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है तो उस सबसे बचने के चक्कर में हम लोगों ने काफी सारे सिक्योरिटीज़ के मतलब सिक्योरिटी पैचेज लगाए हैं

और बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट भी कर रहे थे कोर्स का तो मुझे लगा चलो अभी एपी के ही देते हैं स्टूडेंट्स को अपना आराम से डाउनलोड करेंगे अपना ऐप चलाएंगे एटलीस्ट उनका काम तो स्टार्ट हो है ना इतने दिन लेट करने का कोई तो फायदा नहीं है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं है ना और वो अभी चाह रहे हैं कि एटलीस्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कर लें क्योंकि आप सब लोगों को पता ही है डिस्क्रीट के बिना कुछ है ही नहीं बेटा अगर आप अभी भी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला सब्जेक्ट आपको डिस्क्रिक्ट मैथमेटिक्स में उठाना चाहिए है ना नहीं तो आप सब्जेक्ट्स पढ़ते रहोगे बट उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होगा रीजन बहुत सिंपल है बेटा आपने डी पढ़ लिया क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी शेड्यूल्स आर पॉसिबल तो हाउ मेनी वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे कम्बूट औरलिंग होते हैं और वही सारा कुछ हमने आपको में बताना है और सबसे बड़ी बात एप्टीट्यूड बहुत सारे का वीक रहता है भी सारा अच्छा हो जाएगा इसी एक से तो ये एक master समझ करके चलना इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन गेट के सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे ठीक है तो इसलिए मैंने सोचा था कि इसी स्टार्ट करेंगे चलो अब मैं आपको फटाफट से स्टेप्स बता देता हूँ बेटा आपको एपीके फाइल डाउनलोड करनी है इसका ऑफकोर्स आपको मिल जाएगा और आपको इसको अपने फोन पे इंस्टॉल करना है अच्छा वैसे तो सब लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कई कई स्टूडेंट्स को कुछ डाउट ना है क्योंकि आप ईपी के इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे शायद डायरेक्टली इंस्टॉल ना हो तो उसके लिए आपको आपकी सेटिंग्स में जाना है सिक्योरिटी में अननोन सोर्सेज को टर्न ऑन करना होगा ठीक है टर्न ऑन करने के बाद ही आप इस ऐप को इंस्टॉल कर पाएंगे ठीक है और ये मैंने लिख भी दिया कि दिस ऐप इज करेंटली नॉट अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर तो प्लीज इसको प्ले स्टोर पर सर्च मत करना बेटा अभी आपको ये इस प्ले स्टोर पर नजर नहीं आएगी रीजन मैंने आपको बार बार बताया सिक्योरिटी वाली प्रॉब्लम्स है ठीक है तो जैसे जैसे हम थोड़ा सा इसको कंपेटेबल कर लेंगे तो हम उसको डाल देंगे ठीक है ओके चलिए आते हैं आगे स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर टू में बेटा आपको क्या करना है ऑनबोर्डिंग है बस मैंने आपको बस यहाँ पे ये बताया है कि आप कैसे साइन uh, अप करेंगे एंडसॉन तो उसके लिए सबसे पहली बात बेटा ध्यान रखना है आपको डार्क मोड ऑफ रखना है अपने फोन में ठीक है डार्क मोड ऑफ रखना है फोन में अगर आपका डार्क मोड ऑन होगा वो डिस्प्ले सेटिंग्स में होता है आपने देखा होगा तो ये ऐप नहीं चलेगी चल तो जाएगी लेकिन प्रॉपर आप उस पर काम नहीं कर पाएंगे तो डार्क मोड को ऑफ कर लेना ठीक है ऑफ करने के बाद ही ये सब आपको दिखेगा नेम ई मोबाइल नंबर रेफरल कोड एंड सॉन अगर आपने डार्क मोड ऑन रखा हुआ अपने फोन पे तो ये टेक्स्ट बॉक्सेस आपको ब्लैंक नजर आएंगे बेटा ये भी हमने सिक्योरिटी डाली हुई है ठीक है ओके तो ध्यान रखना है आपको और ये अफकोर्स अगर आपका डार्क मोड ऑफ नहीं भी किया आपने डार्क मोड ऑन भी है तो आप यहां से देख सकते हैं है ना अगर ब्लैंक आ रहा है तो आप डाल लेना अगर आप नहीं चाह रहे डार्क मोड ऑफ करना एंड ड्यू टू एनी रीजन तो कोई बात नहीं आप नेम ई मोबाइल नंबर और रेफरल कोड तो अभी कुछ होगा नहीं आपके पास तो ये तीन चीजें आप डालेंगे और साइन अप कर देंगे बस ठीक है आई होप आप समझ पा रहे हो गए हाँ जी तो देखो मैंने लिखा भी है एंटर नेम करना है ई मोबाइल नंबर एंड क्लिक ऑन साइन अप बटन बस और ध्यान क्या रखना है बेटा ई प्रॉपर डालना है आपको ठीक है ईमेल प्रॉपर डालना है ईमेल गलत मत डाल देना क्योंकि इसी ईमेल आईडी पे ही आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स आएंगे ठीक है वैसे तो आप बाय डिफॉल्ट अपने आप लॉगिन हो जाएंगे ऐप के अंदर जैसे ही आप ये सब डालेंगे साइन अप करेंगे आप लॉगिन हो गए समझ लो लेकिन फिर बाद में कभी लॉग आउट किया फिर लॉग इन करना है तो वहां पर दिक्कत आएगी क्योंकि आ, स्क्रीन शॉट्स हमने डिसेबल कर रखे रखें ऑफकोर्स है ना सिक्योरिटी रीजन के कारण तो आप जो भी लॉग इन क्रेडेंशल्स होंगे आप उनका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे वो सारे के सारे आपकी ई मेल पर आएंगे ठीक है तो ध्यान रखना है लॉग इन और पासवर्ड ई मेल पर आएगा इसलिए प्रॉपर डालना है उसको गलत नहीं डालना ठीक है और मोबाइल नंबर भी प्रॉपर डालना ताकि अफकोर्स मुझे कोई बात करनी है आपसे आपको मुझसे बात करनी है तो हम आराम से कर पाएंगे ठीक है अदरवाइज दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू ओनली चलिए ठीक है आगे आते हैं अच्छा आप देखो आ, अगर आ, जैसे कैसा लग रहा है आपको कोर्स है ना कैसी क्वालिटी है एंड साउंड तो उसके लिए मैंने एक फ्री बैच अलग से बना करके रखा हुआ है उस बैच में सिर्फ सिलेबस का वीडियो बेटा और कुछ नहीं है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो भी सिलेबस है वो सारा मैंने इसमें डिस्कस किया हुआ है आप इसमें बस जा कर के एनरोल कर सकते हैं ठीक है तो आपको बस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का सिलेबस का बैच देखना है ऐप के अंदर आपको दिख जाएगा और उसमें जा कर के आपको एनरोल कर देना है और आप जा करके वो वीडियो देख पाएंगे ठीक है फ्री ऑफ कॉस्ट है वो आप देख सकते हैं जस्ट टू इन्श्योर कि क्वालिटी और सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं आप उसमें देख पाएंगे ठीक है बेटा अच्छा उसके बाद फिर आ, ये आ, ये देखो मैंने इसमें प्रॉपर लिखा भी है कि आप ये ये प्रीवियस चैप्टर है ये मतलब सिंपल चैप्टर तो क्या आप ये कह सकते हैं सिलेबस बस इसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है ठीक है ओके ये आप अप्लायंस वगैरह पढ़ लेना कि दिस प्रीवियस चैप्टर हैज बिन क्रिएटेड टू तो शोकेस द स्कोप ऑफ दिस कोर्स ओके और आगे आते हैं और ये डिटेल्ड हैंडआउट और स्टडी गाइड ये सब मैं आपको दे दूंगा बाद में और आपको आज ही बता दूंगा कि किस किस टाइम पे मैं क्या-क्या कवरअप -क्या करने वाला हूं एंड सो so. थोड़ा सा बस रुकिए सब बता रहा हूं आपको चलिए आते हैं आगे ओके सो नेक्स्ट इज नेक्स्ट स्टेप आप बस एनरोल कर सकते हैं कोर्स में अगर आपको सिलेबस का वीडियो अच्छा लगता है सब कुछ क्वालिटी वगैरह एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन तो आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं ये बेटा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का बैच आपको यहाँ दिख जाएगा ठीक है ये कोर्स है आप इसमें एनरोल करवा सकते हैं ठीक है ओके हम्म आगे आते हैं ये आप चेक कर लेना बेटा ठीक है स्लाइड देख लेना ओके ये सब स्क्रीनशॉट्स मैंने लगा रखे हैं अपनी ऐप के ताकि आप सब देख पाए ठीक है ओके सो फाइनली आप आ, कोर्स का प्राइस गेस कर पा रहे होंगे क्या प्राइस होगा है ना क्योंकि यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप सब लोगों से मुझे डिस्कस करनी थी आ, मेरा रीजन ही यही था कि आ, मेरे को एक, एक जो स्टूडेंट है वो बहुत टाइम से अप्रोच कर रहा था कि सर प्लीज आप मेरे हेल्प लीजिए मैं आपके लिए ऐप आप बिल्ड करना चाहता हूँ ऑन तो इसलिए मैंने उसी से ऐप बिल्ड करवाई नहीं तो प्रोफेशनली मैं जाता या बिल्ड करवाता तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑफकोर्स कॉस्ट लगनी थी हमारी खर्चा बहुत होना था और फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपके ऊपर आता तो वो सब मैं नहीं चाह रहा था इसलिए फिलहाल हम इस तरीके से चले हैं ठीक है तो कोर्स को मैंने बिल्कुल बेटा प्राइस बिल्कुल मिनिमम रखा है सो फाइनली लेट मी रिवील दैट प्राइस सो प्राइस इज ओनली फाइव हंड्रेड ठीक है सिर्फ पाँच सौ रुपये में मैं आपको पूरा डिस्क्रिट मैथमेटिक्स का कोर्स दे रहा हूँ और ये पूरा पैकेज है बेटा इससे आपका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा हो जाएगा और साथ साथ जितने भी काफी सारे गेट के क्वेश्चन आपके सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे जिस जिस सब्जेक्ट का आपको सिर पर भी नहीं पता होगा उस सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आप सिर्फ और सिर्फ लॉजिक को यूज करके सॉल्व कर पाएंगे जो मैंने कवरअप किया है डिस्क्रिट मैथमेटिक्स में कमेंट और इसको यूज करके कर पाएंगे सेट थ्योरी को यूज करके कर पाएंगे एंड सॉन्न तो ये तीन टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ठीक है इन तीन टॉपिक की हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चन गेट के सोल्व कर पाओगे ठीक है चलिए तो आते हैं आगे ओके सो so, अगर आप मुझे पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं बेटा ये क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे ये मेरी यूपीआई आईडी है आप इस पे पेमेंट कर सकते हैं आपको पेमेंट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ईमेल करना है मुझे ईमेल किस पे करना है बेटा ये अमित खुराना डॉट गेट ट्वेंटी ट्वेंटी एट द रेट जी मेल डॉट कॉम ठीक है इस पे आपको ईमेल करना है और इसमें सिर्फ आपको ये लिखना है पेमेंट डन ठीक है पेमेंट डन ये आप लिख करके सब्जेक्ट होगा ये पेमेंट डन और साथ साथ प्लीज स्क्रीनशॉट अटैच जरूर करना पेमेंट का ठीक है ताकि मेरे को कंफर्मेशन मिल सके कि आपकी पेमेंट हो चुकी है और फिर मैं आपको बैच में रोल कर दूंगा ठीक है बस ये काम आपको करना है आप ये क्यू आर कोड स्कैन कर सकते हैं क्यू आर कोड को स्कैन करने के बाद जो भी जिस भी आप यू पी आई ऐप से करेंगे चाहे गूगल पे से करें चाहे पेटीएम से करें चाहे किसी से भी करें ठीक है बस इसको स्कैन करना है और आपको मुझे पेमेंट करनी है ठीक है जस्ट फाइव हंड्रेड रुपीज़ और कुछ नहीं और पेमेंट डन का आपको ई मेल करना है ऑन दिस ई मेल आई डी ठीक है बस डेट सेट उसके बाद मैं आपको एनरोल कर दूंगा कोर्स में ठीक है ओके सो फाइनली बेटा हैप्पी स्टडिंग है ना अच्छे से स्टडी करो और मेरे इसमें बहुत एनर्जी बहुत ज़्यादा मैंने एफर्ट लगाया है इस सबको बिल्ड करने में एंड आई होप आप लोग मेरा पूरा साथ देंगे और अगर रिस्पॉस अच्छा आएगा बेटा धीरे धीरे हम चीज़ों को इम्प्रूव करते चले जाएंगे एकदम स्टार्टिंग में मुझे लगा मैं चीज़ों को एकदम बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से चलाने से बेटर है कि हम धीरे धीरे चीज़ों को इम्प्रूव करें ठीक है सो so, देखो मैंने लिखा भी है अलॉट ऑफ लव एंड एनर्जी हैज़ बीन गॉन इनटू द मेकिंग ऑफ दिस ऐप एंड आई होप स्टूडेंट्स विल बेनिफिट ग्रेटली फ्रॉम दिस ओके सो फॉर टेक्निकल सपोर्ट आप इस ई मेल आई डी पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझे ठीक है चलिए अब जो मेन पार्ट है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ बेटा जैसे आप लोगों को पता ही है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में टोटल हमारे पास चार पार्ट्स हैं ठीक है क्योंकि आप कोर्स में एनरोल करवा रहे हैं तो मेरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब चीजें आपको बतानी तो पहला पार्ट है बेटा लॉजिक ये आई थिंक सबको पता होगा नेक्स्ट इज कम्बिनेटोरिक्स ठीक है तो आई होप आप देख पा रहे होंगे जैसे मैं आ, बोर्ड पे लिख रहा हूँ और सब कितना अच्छा ब्यूटीफुल दिख रहा है बिल्कुल ऐसा ही पूरा आपका कोर्स डिजाइन है ठीक है आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा बेटा सिलेबस का वीडियो जरूर देखना अच्छा लॉजिक कंप्यूटोरिक्स देन सेट थ्योरी एंड ग्रुप थ्योरी सेट थ्योरी ग्रुप थ्योरी एंड द लास्ट वन विल बी ग्राफ थ्योरी ठीक है ये टोटल हमारे पास चार पार्ट्स है अच्छी बात क्या है बेटा बैकएंड में मैं बहुत काम कर रहा था आप लोग देख पा रहे होंगे मैं लेक्चर्स uh, यूट्यूब पे डाल रहा था बट काफी कम स्पीड पे डाल पा रहा था जस्ट बिकॉज बैकग्राउंड में दो दो काम चल रहे थे एक ऐप का काम चल रहा था और एक ये मेरा जो ये कोर्स लॉन्च हो रहा था उसके लिए मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था तो लॉजिक बेटा अच्छी बात है ये ऑलरेडी पूरा कंप्लीटेड है और इसको मैंने अप्रॉक्सीमेटली फिफ्टीन आवर्स में कंप्लीट कर दिया है है ना क्योंकि पूरा डिस्किट मैथमेटिक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आएगा कि सर पूरा डिस्किट मैथमेटिक्स तो आपका यूट्यूब पे अवेलेबल है ही है ना द ओनली थिंग इज बेटा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास टाइम कम होता है है ना वो 250 300 घंटे की प्लेलिस्ट है इसको मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम एट्टी टू नाइनटी आवर्स में कंप्लीट करूंगा और बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा एकदम कंडेंस फॉर्म में और आपको मजा आ जाएगा गारंटी मेरी है बेटा एक एक सवाल आपका सॉल्व होगा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे सोल्व नहीं होगा एकदम एग्जॉस्टिव स्थल से मैं आपको चीजें दिखाऊंगा ठीक है

तो पूरा सिलेबस का वीडियो देखो उससे आपको काफ़ी हद तक पता लग जाएगा फटाफट से ऐप डाउनलोड करो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ए के फाइल डाउनलोड करो डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करो अपने फ़ोन पे मैंने आपको तरीका बता दिया है इंस्टॉल करने के बाद आप फटाफट से जाकर के जो फ्री कोर्स है उसको देखो ठीक है जो मैंने सिलेबस वीडियो डिस्कस किया उसमें आपको क्वालिटी का हर चीज़ का प्रॉपर अंदाजा हो जाएगा कि, कि किस तरीके से मैंने टीच किया है और स्मार्ट बोर्ड कैसा दिख रहा है आपको है ना सब कुछ उसमें पता लग जाएगा ओके हाँ और फाइनल मैंने आपको प्लान बता दिया है बेटा ये हमारा प्लान है और ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे मैं अप्रोक्सी दो दो घंटे के मैं लेक्चर्स बनाऊंगा और वो डालता रहूंगा। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा बेटा तो ऑफ नवंबर दैट इज माई लास्ट डेट इस दिन आपका पूरा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा ठीक है मैं चाहूं तो एक दिन में चार चार पांच पांच घंटे की रिकॉर्डिंग कर सकता हूं जैसे नॉर्मली टीचर्स करते हैं बट वो आदत मेरी है नहीं बेटा मैं मॉर्निंग में उठता हूँ एकदम फ्रेश एनर्जी के साथ सिर्फ दो घंटे का एक लेक्चर लेके पूरा दिन छोड़ दूंगा ताकि मैं माइंड में चीजें आराम से घुमा सकूं मैं ऐसे नहीं करता एकदम ऐसे कुछ भी बोल दिया कुछ भी कर दिया ऐसे बस फटाफट खींचते गया काम को नो मैं इस तरीके से नहीं चलूंगा अगर मैं मनी माइंडेड होता तो मैं यही करता पाँच पाँच छे छह घंटे की रोज रिकॉर्डिंग करता खड़े होने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं मैं तो इतने टाइम ऑफलाइन क्लासेस में टीच किया और इतना सब किया है तो मैं बहुत आराम से कर सकता हूँ है ना बस सामने नोट्स खुले हो अपना फटाफट फटाफट देखते जाओ इधर से करते जाओ करते जाओ करते। बहुत स्पीड खींच के मैं कर सकता हूँ बट वो काम मैं बिल्कुल नहीं करता ठीक है वो ऐसी आदत मेरी है ही नहीं बेटा मैं खींच कर काम नहीं करता आप देखते ही हो होना आपने क्वालिटी देखी होगी मेरे YouTube चैनल पे और यूट्यूबलोज का देखा होगा मैं किस तरीके से टीच करता हूं? एकदम प्रॉपर फ्लो फ्लो में में तो वो फ्लो बनाने में बेटा बहुत टाइम लगता है और मैं पूरा दिन सोचता रहता हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठ के लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ और मेरी आदत रोज एक लेक्चर डालना है उससे ऊपर मैंने डालना ही नहीं है ठीक है तो आप बिल्कुल परेशान मत हो ना क्वालिटी से तो पॉइंट जीरो जीरो नहीं होगा ठीक है जो आपका कंटेंट यूट्यूब पे है उससे उसी के जैसे ही मैं यहाँ पे आपके लिए डालूंगा बट टाइम काफी कम हो जाएगा है ना जैसे वहां पे बहुत लंबा खींचा हुआ है पे बहुत कम होगा रीजन वही है कि वहां पे बार बार चीजों को मैंने रिपीट किया है यहां पे मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है बेटा आपने पेड कोर्स लिया आपने पैसे दिए हैं तो आप सिक्वेंसिली वीडियो को देख रहे हो यूट्यूब पे क्या होता है ना मुझे नहीं पता कौन कब आके क्या देख लेगा ओपन है ओपन है तो कोई भी स्टूडेंट आकर के कोई भी वीडियो उठा करके देख लेगा तो इसलिए मेरे को आगे पीछे सारा लिंक करके चलना पड़ता है ताकि कोई भी बीच में से भी कोई वीडियो उठा करके देखे तो उसको समझ में आए चीजें ऐसे ना लगे कि और कोर्सेज लंबे होते हैं बट यहां ऐसा नहीं होगा एकदम आराम से प्रॉपर में टीच करूंगा और ये, मैं को कहने के भी बहुत सालों से टीच कर रहा हूं एट्टी द मतलब जनरली मेरे को कोचिंग में चालीस से पचास घंटे मिलते थे उसमें भी मैंने जब ये पूरा कोर्स करा रखा है तो बेटा एटी नाइनटी आवर्स तो मेरे लिए बहुत ज्यादा है फुल सफिशियंट है मैं आपको प्रॉपर ढंग से सारा कंप्लीट करा दूंगा ये कोर्स पूरा स्ट्रक्चर है बेटा ये आप देख सकते हैं ठीक है मैं साइड में हो जाता हूँ आप ये सब नोट डाउन कर लो चलिए अगर आपको लोगों को मेरा इनिशिएटिव पसंद आया है अगर आपको अच्छा लगा है कि सब कुछ फिट एंड फाइन है प्लीज वीडियो को लाइक करना अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना और एपीके की टेंशन बेटा बिल्कुल मत मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको तो बस एपीके इंस्टॉल करनी है फाइल है और अपना लेक्चर देखना स्टार्ट करो वो प्ले स्टोर पर जब आएगी आ जाएगी ठीक है अल्टीमेटली उसमें लॉस मेरा ही है बेटा है ना नहीं तो आप लोग अच्छी अच्छी रेटिंग्स देंगे सब कुछ करेंगे वो अभी फिलहाल मैंने वो चीज़ भी बाईपास कर दी नहीं तो एटलीस्ट प्ले स्टोर पर मैं देख पाता कि कितने स्टूडेंट्स ने डाउनलोड कर लिए हैं मेरी ऐप और क्या क्या रेटिंग्स आ रही हैं क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं सब कुछ हो सकता था बट वो मैंने सब छोड़ दिया जस्ट बिकॉज मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ बेटा नहीं तो मैं इसको और डिले कर देता है ना लेकिन मैंने डिले नहीं किया है आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू आउट दैट सेट बस ठीक है पाँच सौ रुपये में कुछ नहीं आता बेटा मेरे ख्याल मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए है ना आप एक पिज्जा खरीदने जाते हैं तो भी उससे इससे महंगा ही आता है बट स्टिल मेरे को था कि सबकी मैं हेल्प कर सकूँ ठीक है चलिए ओके थैंक यू सो मच बाय बाय प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सबके साथ शेयर जरूर करना इस वीडियो को बाय बाय